तो हे गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम नए वीडियो के साथ आ गए हैं। वही असली भाभी जो है हमारी गोरखपुर की, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना गाइस। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक गाइस। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात। क्या सोचा था? सोचा था मुलाकात करे को उसे कैसे करें। हर जरा दे वीडियो मत बनाओ, ना तो भाई डाल दे बाबा का देखा। तू से मुलाकात करे को जिंदा रहने के लिए एक अश्लील वीडियो जरूरी है गाइस। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे ये लोग कह रहे हैं जो अब सही कंटेंट छोड़ के, अश्लील कंटेंट छोड़ के अब गाना भी गा रहे हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो अश्लील दिखाई दे रहे हैं। वे कहाँ से अश्लील मुक्त हो गए तुम सब? हाँ ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। जिंदा के लिए तो चलो गाना गा लेते हो हैं, और खाने के लिए, पेट पूजा के लिए फिर क्या कुछ करते हो अलग? हाँ बताइए थोड़ा बहुत वो भी दिखाइए। हेलो दोस्तों, इधर देख सकते हैं हमारे हस्बैंड जी जो डोरी फेंक रहे थे अब नहीं फेंक रहे हैं, क्योंकि आपको पता है क्योंकि बहुत ज्यादा कचरा आ चुका था इसीलिए, और अब डोरी फेंकना इनका हो गया है। गाइज इनका ना अब लग रहा है कंटेंट जो बच रहा था ना, इनके पास डब्बा खाली हो चुका है कंटेंट का पूरा। बात तो सही है, पर दिमाग में अश्लीली जो भरा था ना इन सबके, वो अश्लील अब हम सब ने तो मुक्त कर दिया है। तो अब दिमाग में कुछ खुरपाती चल नहीं रहा है ना, इस तरीके का देख लीजिए थोड़ा। प्यार दिल से निकलता नहीं है, वफाओं का मौसम बदलता नहीं है, वफा ही सही है। तो अब इनके जिंदगी में ना अश्लील के सिवा नया कुछ है ही नहीं रखा गाइज, हमने तो इनका दिल तोड़ दिया भाई, बता के अश्लील बंद करवा के। जली ना तेरी भी जली गाइज, अब इस तरीके का मतलब कि यूट्यूब पे पहले टट्टी फैला दिया, और अब इनके गांव देहात के जो डॉगी है ना, इनके खुद के पर्सनली गांव के, अब वो लोग भी ना इनको आके चुम्मा ले रहे हैं सरेआम। बताओ कि हमको परेशान कर रहा है और इनको परेशान कर रहा है। तो दोस्तों एक चुम्मा आते मुझको, अरे वाह, इतनी शर्म की बात है बे, कुत्ता लोग भी नहीं पूछ रहा अब तो इनको, समझ गए कुत्ता लोग भी जो ये लोग कैसे हैं। और ये डॉगी मैं कहना चाहूंगी, चार पांच जने को और लिया और डॉगी, फिर इनको बढ़िया से पिलो दोनों मियां बीबी को, इतना ये लोग अश्लील पे गिर चुके हैं ना, यही डिजर्व करते हैं ये दोनों मियां बीबी। ठीक है गाइज, ये गाना देख लीजिए किस तरीके का गा रहा है। तो चल गई छोड़ के हमके, जिंदगी भैले सुनसान हो जाए, चंदा खबरी। मैं कहना चाहूंगी ऐसा गाना मत गा, वो छोड़ के तुझे जया चली गई ना, तैया तू बोलेगा दे दे राम दिला दे राम, देने वाला मेरी अश्लील घरवाली, यही कुछ तरीका का होगा इसका गाना गाइज। अभी प्यारी समझ गई ये जो गाना गा रहा है, मतलब कि गाना आप अच्छे सलीके से गा भी सकते हो, जरूरी थोड़ी है कहीं पर भी जाके कपड़े भी कैसे भी पहन के गाना सूट कर लिया। हाँ कोई ये रालू मंडल से भी अच्छा नहीं गा रहा है गाइस, इससे अच्छा तो हुआ कर रही थी बढ़िया वीडियो में। हाय हाय, इतना सुकून गाइज, आप सभी ने प्यार किया होगा, प्यार में गाना भी गाया होगा, पर इस तरीके का गाना ना सुनाओगे ना अपने गर्लफ्रेंड को, छोड़ के भग जाएगी वो, साथ में बोलेगी टेप लगा लो तुम अपने मुंह पे, ऐसा गाना हम नहीं सुनेंगे। सुनने से पहले ही माता जी वाला डायलॉग आ जाएगा। गाइज लो, तो अब गोरखपुर में कुछ इस तरीके का ट्रेंड चला है ना, मतलब कि जो कि हस्बैंड लोग जितने भी है ना, सब अपने बीवी को अश्लील के खिलाफ सपोर्ट कर रहे हैं गाइज। है हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको गाना भी गाना है ना गाइज, तो अच्छे से गा सकते हैं, पर नहीं, इसमें भी थोड़ा बहुत इनको अश्लीलता पड़ोस के दिखाना ही है। जब तक अश्लील दिखाएंगे नहीं ना ये सब, तब तक ना इनका वीडियो चलने वाला नहीं है गाइज।
इनकी वीडियो जो है ना एक नंबर का घटिया कंटेंट, कोई नाम की चीज नहीं होती। और इसका पति जो इसके लिए गाना गाता है, रिपोर्टर भी जाते हैं, आप गाना बहुत अच्छा गाते हो तो गाना क्यों नहीं ट्राई करते हो? तो हम कहना चाहेंगे गाना ट्राई करो, गाना में कोई बेशक्की नहीं है, वो भी एक लाख के मेहनती होता है, पर मेहनत छोड़ के जो तुम और कुछ दिखाओगे ना वीडियो में तो वो जरा सा ना नाइंसाफी है, बिल्कुल कतई अच्छा नहीं है गाइस। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हम कहना चाहेंगे तुम साफ सुथरा कंटेंट बनाओ, वही अच्छा है तुम्हारे लिए। और अभी आके जो तुम कह रही हो ना, जो हम दूसरे को सुधारेंगे, अश्लील जो वीडियो कर रहा है तो अश्लील मत बनाओ, हम कहेंगे पहले खुद तो सुधर जाओ, तुम सुधरे भी नहीं हो अभी तक। ये कितना बज गया यार ये। तो गाइस ये दोनों मियां बीवी ना सही बताओ ढक्कन है जो लुढ़कते ही रहते हैं अश्लील के नाम पे, मतलब कि इनके दिमाग में ना खुरापाती चल ही रहा है, जो आज यूट्यूब पे कैसा टट्टी करे, किस टाइप का करे, कुछ इस तरीके का इनके दिमाग में चलते ही रहता है ना गाइस। तो अब इनकी बात हम हटाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लेना गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।